तो गाइस राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, आप देख सकते हैं मेरी फ़ोटो ऐसे ही स्मूथ वाइट टोन कैसे लाएं, क्लीन फोटो एडिटिंग कैसे करें लाइटरूम से। और आज मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। वीडियो को फुल वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, तभी आपको समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं मेरी फ़ोटो एडिटिंग आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले आपको पहले वाली फ़ोटो लेनी है बिना एडिट वाली, तो हम ले लेते हैं। आप देख सकते हैं गाइस ये रही हमारी फ़ोटो। तो इसे हम सिंपली लाइटरूम में इंपोर्ट कर देंगे, यानी कि लाइटरूम में शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे शेयर वाले बटन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको लाइटरूम एप्लीकेशन पे इसको शेयर कर देना है। शेयर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको वेट कर लेना है। हमारी फ़ोटो इम्पोर्ट हो रही है, थोड़ा लोडिंग लेगा ये। आप देख सकते हैं गाइस हमारी फ़ोटो लाइटरूम में इंपोर्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं इंपोर्ट फिनिश हो चुकी है। इस पर सिंपली हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका सिंपली लाइटरूम एप्लीकेशन में आप ओपन हो जाएंगे। ये थोड़ा लोडिंग लेगा, तो आपको वेट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी फ़ोटो लाइटरूम में शेयर हो चुकी है। इस पर सिंपली हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये फिर से थोड़ा लोडिंग लेगा, आपको वेट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं नीचे आपको ऑटो का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको लाइट पर क्लिक करना है। लाइट पर क्लिक करने के बाद हाईलाइट को इसको थोड़ा इंक्रीज, मतलब 43 कर देना है। शेडो को थोड़ा इंक्रीज कर देना है। फिर आना है आपको कलर वाले ऑप्शन पर। आप देख सकते हैं नीचे कलर वाला ऑप्शन आपको सिंपली दिख जाएगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद आपको मिक्स वाला टूल का ऑप्शन दिख जाएगा। मिक्स पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। मिक्स पर क्लिक करने के बाद आपको रेड कलर पर आना है। आप देख सकते हैं ये रहा रेड कलर, इसको सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है। फिर आपको गाइस सिंपली ऑरेंज कलर पर आ जाना है। ऑरेंज कलर पर आ जाने के बाद आपको इसकी सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर देना है, ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है। फिर आना है गाइस आपको येलो कलर पर। येलो कलर पर आने के बाद आपको सिंपली इसके ह्यू को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है, सैचुरेशन को भी इंक्रीज़ कर देना है। फिर आना है आपको ग्रीन कलर पर, इसके ह्यू को कम कर देना है और सैचुरेशन को आपको इंक्रीज़ कर देना है। फिर आना है गाइस आपको ब्लू कलर पर। ब्लू कलर पर क्लिक करने के बाद आपको इसकी सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है और लुमिनेंस को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है, ह्यू को डाउन कर देना है। फिर आना है आपको डार्क ब्लू कलर पर। डार्क ब्लू की सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, लुमिनेंस को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है। फिर आना है आपको वायलेट कलर पर, इस पर सिंपली हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसकी सैचुरेशन को कम कर देना है, लुमिनेंस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है। फिर आना है आपको पिंक कलर पर। पिंक कलर पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इसकी सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है, लुमिनेंस को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है। फिर यहाँ से आपको डन वाले बटन पर सिंपली क्लिक कर देना है। डन वाले बटन पर हम क्लिक कर देंगे। डन वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। इफेक्ट के ऑप्शन पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको क्लियरिटी का ऑप्शन एक दिख रहा होगा, क्लियरिटी को आपको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है और डीएच को भी थोड़ा सा आपको इंक्रीज़ कर देना है और विग्नेट को थोड़ा सा आपको कम कर देना है और फेदर को भी थोड़ा सा आपको इंक्रीज़ कर देना है। और फिर आना है आपको डिटेल वाले ऑप्शन पर। आप देख सकते हैं डिटेल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। डिटेल पर क्लिक करने के बाद इसकी शार्पनिंग को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है, कलर नॉइस रिडक्शन को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है, डिटेल और स्मूथनेस को फुल कर देना है। फिर आपको नीचे ऑप्टिक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्टिक्स के ऑप्शन पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है और इन दोनों ऑप्शन को आपको अनेबल कर देना है। फिर आप देख सकते हैं ये थोड़ा लोडिंग लेगा, बिफोर आप देख सकते हैं फ़ोटो एंड आफ्टर देख सकते हैं और इसमें थोड़ा कलर हमारा ऐड हो चुका है। अब आपको ये फ़ोटो लाइटरूम का काम पूरा हो चुका है। अब आपको स्नैपशीट डाउनलोड कर लेना है। इस फ़ोटो को शेयर पर आपको क्लिक करना है और इसको स्केचबुक में इसको आपको शेयर कर देना है। ये लोडिंग लेगा थोड़ा, आपको वेट कर लेना है, इसको शेयर कर देना है। आप देख सकते हैं गाइस हमारी स्केचबुक एप्लीकेशन दिख रही है, इस पर सिंपली हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा वेट लेगा, लोडिंग लेगा ओपन होने के लिए। आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटो सिंपली लाइटरूम में इंपोर्ट हो चुकी है। तो इसको हम अब स्मूथ करेंगे। स्मूथ करने के लिए आपको ऊपर ब्रश वाला आइकन दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं ये ब्रश वाला आइकन आपको दिख रहा होगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ब्रश दिखेंगे, आपको स्मूथ पर आना है और ये वाला ब्रश आपको चूज़ कर लेना है। ये वाला ब्रश चूज़ करने के बाद आपको इसकी सेटिंग में जाना है ऊपर, आप देख सकते हैं। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और साइज़ को आपको 10 रखना है, फ्लो को 4 रखना है, 4% स्ट्रेंथ को भी आपको 4 रखना है। फिर आप देख सकते हैं हम सिंपली हमारी फ़ोटो स्मूथ कर लेंगे। तो स्मूथ करने के लिए आपको सिंपली इसको स्मूथ कर देना है। आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटो अच्छी तरह से स्मूथ हो रही है।
आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से हमारी फ़ोटो स्मूथ हो रही है। तो ऐसे ही आपको अपनी फ़ोटो को स्मूथ कर देना है। हम जल्दी जल्दी अपनी फ़ोटो स्मूथ कर देते हैं, आप आराम से कीजिएगा, ध्यान से, मुझे एक्सपीरियंस है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप आराम से कीजिएगा, ज़्यादा जल्दी मत करना वरना आपकी फ़ोटो ख़राब हो जाएगी, इसलिए आप ज़्यादा जल्दी मत करना। आप देख सकते हैं गाइस हमारी फ़ोटो स्मूथ हो चुकी है, स्मूथ कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ऊपर क्लिक करना है, साइड वाले बटन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको शेयर वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा, शेयर वाले ऑप्शन पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर शेयर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं गाइस, फिर आप देख सकते हैं हमारी स्नैपसीड एप्लीकेशन में हम इस फोटो को ओपन कर लेंगे। आपको स्नैपसीड एप्लीकेशन भी आसानी से प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, इस पर हम इस फोटो को ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन नीचे आपको दिख जाएगा, टूल्स के ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और ट्यून इमेज पर आपको सिंपली चले जाना है। ट्यून इमेज पर जाने के बाद आपको इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा हल्का सा इंक्रीज़ करना है और इसके एम्बिनेंस को भी थोड़ा सा हल्का सा इंक्रीज़ कर देना है। फिर आना है आपको नीचे यस के बटन पर सिंपली क्लिक कर देना है, इस पर सिंपली हम क्लिक कर देंगे। अब आपको टूल्स पर जाना है, फिर से आपको टूल्स पर जाना है। टूल्स पर आपको क्लिक करने के बाद आपको डिटेल्स वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक करके इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कम कर देना है। फिर आपको डन वाले बटन पर सिंपली क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको टूल्स पर आना है। गाइस ध्यान रहे, वीडियो स्किप मत करना वरना आपको समझ में नहीं आएगा। फिर से आपको टूल्स पे आना है और सिलेक्टिव का एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको जहाँ जहाँ आपका ब्लैक दिख रहा है वहाँ आपको इसे लगा के इसको छोड़ के इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है। फिर से आपको प्लस नीचे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ लाना है इसको, जहाँ जहाँ आपको ब्लैक दिख रहा है वहाँ आपको इसे छोटा करके ऐसे छोड़ देना है और इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा हल्का सा इंक्रीज़ कर देना है। फिर से आप देख सकते हैं फिर से प्लस वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक करने के बाद जहाँ जहाँ आपका फिर से ब्लैक दिखाई दे रहा है वहाँ आपको इसको रख के इसको छोड़ देना है और इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटो में लाइट आ चुकी है, ब्राइटनेस बढ़ चुकी है। अब आपको डन पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, तो आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटो एडिटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सेव करने के लिए ऊपर डन पर सिंपली क्लिक कर देना है और आपकी फ़ोटो सेव हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।